मैंने दिया था वही उल्टी कर दी। नहीं उसने अब मुइयां डाल के, क्योंकि भाई चबाएंगे भी तो जोड़ी में ही चबाएंगे ये। टीचर आ गए, चलो उठो उठो उठो, चलो भागो दौड़ो। लड्डू ने ऐसे किसी भी पेपर पे साइन नहीं करे हैं। तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे हमारा मुजरा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग थोड़ा सी देर से शुरू हो रहा है और ये देखो पीछे सेटअप। वैसे कल वाले ब्लॉग में हम शेयर कर चुके हैं ये आप लोग के साथ कि पीछे हम लोग ने सजाया हुआ, और फेस्टिवल्स वाले वीडियोस आना शुरू हो चुके हैं। और अभी चल रही है लड्डू की फूड टाइम चल रहा है। ये कुछ एक्स्ट्रा दिया है इसको, लेकिन आज लड्डू ने फ्रूट्स पे, मतलब सिर्फ फ्रूट्स मैंने दिया था वही उल्टी कर दी। नहीं उसने, पता नहीं इसको पेट में मुझे लग रहा थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि खाना कम खा रहा है। खाना कम खाने के साथ साथ इसे डाइजेशन का भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फिलहाल हमने इसे दवा भी दी हुई है क्योंकि दवा है हमारे पास उसकी, तो वो दी हुई है। और लेट्स सी, ज्यादा कुछ भी दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर से वैसे मैंने कल बात कर ली थी तो उन्होंने यही जो बताया था वो हमने उसे दे दिया था। अभी वो एक बार पूरा खाना खा भी नहीं रहा है तो हमें थोड़ी सी तो चिंता हो रही है उसकी। बाकी देखते हैं, ज्यादा कुछ भी सीरियस हुआ तो डॉक्टर पास में ही है, तुरंत हम लेके जाएंगे उसको दिखाएंगे। बाकी अपडेट देते हैं आपको आगे कैसा रहता है लड्डू की तबीयत का। बट हाँ, थोड़ा सा अभी वीक है वो, कुछ तो दिक्कत है उसे। देखते हैं, होपफुली दोपहर तक ठीक हो जाए। लड्डू अपना खा पी के आ गए और शिशु कर दिए उन्होंने यहाँ पे, अपने पखाना बोल चुके हैं। मैं अकेले ही भाग रही हूँ, वो खुद नहीं भाग रहा। हमारी एक्सरसाइज करवा देता है, खुद भागता नहीं है ये। हमारी एक्सरसाइज हो रही है, खड़े हो जा, चलो आजा 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 आजा। भाग गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सो गाइस, आज है लड्डू की ट्रेनिंग का डे टू। डे वन पे तो ऐसे कुछ खास ही सीखा नहीं, ट्रेनिंग ट्रेनर को बोलना पड़ेगा भाई। ट्रेनर ही कंफ्यूज हो गया, हमने उसको बोला कि हिंदी में सिखा दो, वो खुद ही आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहा था। तब हमने डिसाइड किया है कि पूरा इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे अभी क्योंकि हिंदी मीडियम वाला टीचर नहीं मिल रहा है। टीचर सही नहीं है जो हिंदी मीडियम के तरीके से पढ़ा पाए सही से। वो देखो क्या खुदाई करनी है इन्हें। पॉटी आई है, पॉटी नहीं आई है, वो मजे कर रहा है। मजे कर रहा है। ये क्या, ये घास में क्या खोदना चाहता है? ऐसा कौन सा हीरा निकालना है इसको इस घास के अंदर से, बताओ पहले। हमें इस बात का जानना है आखिर घास के अंदर इसे क्या चाहिए। यदि ये मिट्टी वाली घास होती तब क्या करता है? अब तक तो खोद के खत्म कर चुका होता। खच 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 और मुइयां डाल के पता नहीं क्या करता है। देखो क्या कर रहा भाई, यहाँ फेवरेट खुदाई जगह है क्योंकि यहाँ ठंडा पानी गिरता है, यहाँ खुदाई करते हैं, बहुत मजा आता है। ये देखो घुस गया उधर उसके पास, ड्रेनेज के पास। सो गाइस, ये देखो इनकी दुकान यहाँ पे लगी हुई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और ये इनका बड़ा टेडी रखा हुआ है और ये यहाँ पे दूसरा पेयर और उठा लाए चप्पल का जो सही बचा हुआ था, क्योंकि भाई चबाएंगे भी तो जोड़ी में ही चबाएंगे ये। ये लो भग गए अपना एक चप्पल लेके, और सारे खिलौने इसने यहीं लाके रख लिए हैं शैतान ने। तो गाइस, रील वगैरह सारी शूट खत्म हो गया और लड्डू इधर खेल रहे हैं। और ये हमने एक और मैट मंगाया है ताकि लड्डू प्रॉपरली खेल सके। ज्यादा मार्बल पे स्टार्टिंग में डॉग के उछल रहे थे ना, उसके पैरों में प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, तो एक हमने ये मंगाया था, ये भी हम बिछाते हैं। अभी थोड़ा शूट वगैरह कर रहे थे तो इसको साइड में रख रखा है। सो इस तरह का है। बाकी अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए हो तो बताना, आई विल प्रोवाइड यू। और ये अभी तक अपने रील लुक में ही है। ये नीचे देखो लड्डू आ गया। ऐसा लग रहा है तुमने किसी एयर होस्टेस की ड्रेस पहन रखी है। वेरी फनी, कॉम्प्लीमेंट है या कमेंट है? देखे लड्डू को कैसी लग रही है, ये मजा आ रहा है इसको। तुम समझ लोगी, देख रहा है सब। इसमें ऐसे बने हैं ना ये डिजाइनर। अबे काटना नहीं है। बच्चों के हिसाब से अच्छी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे वगैरह। अबे नहीं, ये दांत मार रहा है। ओए, दांत मारने के लिए नहीं है तुम्हारे। उसे वो दिख रहा है ना कैरेक्टर, जमीन में कैरेक्टर दिख रहा है कि भाई ये क्या है, जिराफ है क्या है। मारने का हो रहा है। सो गाइस, लड्डू के प्ले एरिया में
ये वाला मैट बिछ गया है, और जो दूसरा मैट था ये हमने ऐसा पार्ट पार्ट करके, क्योंकि यहाँ पर एक ये दौड़ता है तो मैं हमने यहाँ पे लगा दिया है, एक ये मैंने अपने रूम में लगा दिया है क्योंकि यहाँ से भी ये दौड़ के जाता है। इसके बाद जो इसका एक पार्ट था वो तो यहाँ पर लगाई हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, और जो इसका चौथा पार्ट है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है ताकि इसको ना पूरा का पूरा मार्बल पे ना दौड़ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे ये मेनली दौड़ के जाता है तो इसके पैरों में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों भाई लड्डू आ जा रहा? भाई बालकनी में जा रहे हैं टहलने, बालकनी एंजॉय करने आया भाई यहाँ पे करो। तो लड्डू को मैंने यहाँ पे फूड निकाल दिया है, इनका लंच तैयार है, और इनको स्टे कमांड अभी दे रखी है, तो ये अभी बैठे हुए हैं मजे से। गुड बॉय गो, एकदम ये वाली कमांड तो अच्छे से सीख गया है। दो कमांड, सिट और स्टे। सिट एंड स्टे तो अच्छे से सीख गया है ये, थोड़ी देर में तो सीख जाएगा, चार पांच दिन में। लड्डू को खाना वाना खिलाते हैं फिर इनको सुपोटी कराएंगे। लड्डू लड्डू उठो, तुम्हारे टीचर आ गए हैं, चलो पढ़ाई करने का टाइम हो गया, चलो उठो लड्डू, उठो, चलो बहुत पैसे लगा है, चलो उठो जल्दी फटाफट, उठना नहीं चाह रहे हैं, देव लेटे डाले, उठा उसको लड्डू, क्लास चालू होने वाली है, चलो जल्दी, कान खड़े कर रहा है, देख रहा है तिरछी आंख से, लेकिन उठ नहीं रहा है बिल्कुल, नहीं उठ रहा, पढ़ने का तो वैसे किसी का मन नहीं करता, सेम इसका भी। नहीं नशा करके लेटे हो क्या भैया? कौन सा नशा किए हो? सस्ते नशे कर रहे हो क्या तुम? टीचर आ गए, चलो उठो उठो उठो, चलो भागो दौड़ो, अरे भाई चलो 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 चलो। तो गाइस ये है लड्डू पे हो रही है जाति पार्ट फोर। तरह तरह से इनको सजा दिया जाता है, इनका विदाउट और विदाउट कंसेंट हो रहा है ये लड्डू के। लड्डू ने ऐसे किसी भी पेपर पे साइन नहीं करे हैं। क्यों लड्डू? लड्डू आज थोड़ा सा और चारा खाना भी ढंग से खा नहीं रहा है, आज इसने खाया नहीं ढंग से खाना। इसको ये मुझे ऐसा लग रहा है हल्का फीवर भी है इसको, मैंने कहा इसको अभी ना जो हर्बल वाली मेडिसिन है ना फीवर की वो दे देंगे। और अभी भी खैर मैंने इसको हाफ एग दिया था तो वो तो खा लिया इसने फटाफट। सो गाइस लड्डू खेल खाल के आराम कर रहा है, अभी बज रहा है 8:30 और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा सफायर मोड, और लड्डू के लिए हमने एक व्यवस्था कर दी है, एसी वगैरह तो यहाँ पे चल ही रहा है, और साथ में लड्डू का सीसीटीवी, लड्डू में निगरानी के लिए हम कैमरा लगा के जा रहे हैं और देखते हैं कि आधे घंटे बाद लड्डू हमें क्या करता हुआ मिलेगा। सीसीटीवी का तुम्हें बांध दिख जाएगा, सीसीटीवी देख के भी तुम करोगी भी क्या? लड्डू लड्डू बाय। गाइस हम लोग आ गए वापस और लड्डू यहाँ गोद में बैठ के, आपने ये नोटिस किया, आप अंदर एंटर कर चुके थे, स्टिल इसे मैं चाहिए थी, और आपकी गोदी में आने के बावजूद भी ये मेरी गोदी में आके बैठा है, बाद में इसे चाहिए मेरी गोदी, इस टाइप में मम्मा याद आती है इसे। गाइस यहाँ हम चेक कर रहे थे कि एक घंटे इसने क्या क्या किया, बीच में एक दो बार ये आया था हमको देखने के लिए कि हमारा सीसीटीवी, बीच में एक दो बार उठ के आया था कि कौन कहाँ गया है कैसे गया है, एक घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग है, बाकी तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये सो रहा था जब हम लोग नहीं थे आराम से, क्योंकि एसी हम चला के गए थे, एसी में सो ही जाता है, हाँ एसी में सो जाता है ये, फिर ये इधर लास्ट में आया उठ के। अब लड्डू को फटाफट खाना देते हैं रात वाला। गाइस लड्डू का मैंने खाना तो निकाल दिया है, और अभी लड्डू का थोड़ा सा स्टे टाइम चल रहा है, इसको वो दवाई भी दी थी बिफोर फूड जो हम देते हैं लीवर वगैरह के लिए, और भी हम गए थे मॉल के बाहर से, हम कुछ शॉपिंग भी कर लाए, एक मैंने ये लैंप खरीदा है इस तरह का है, और अभी इसमें ना थोड़ी सी मिट्टी विट्टी लगी है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, और इसके बाद मानसी ने खरीदा है ये पता नहीं क्या है, ये उमराव जान वाला है क्या? आपसे मुजरा करवाएंगे ना? अच्छा आप मुजरा करेंगे? तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी हमारा मुजरा, अफोर्ड नहीं कर पाओगी तुम। सो अब इस वाले लैम्प को मैं इंस्टॉल करता हूँ और सफाई वगैरह कर देते हैं पहले, लेकिन लड्डू का खाना, लड्डू को खाना देते हैं, इसके बाद लड्डू को घुमाने फिराने ले जाएंगे बाहर बालकनी में। 2 मिनट तो रुक जाओ, 5 मिनट तो हो जाने दो कम से कम। लड्डू बाय बोल दो, तब तक बोलो सब्सक्राइब करो चैनल को।